जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय भयो पाप को नाश, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की, जैसे जैसे चिनगी आग की, पड़ी पड़ी पुराने घास, पुराने घास। हरी हरि फिरत प्रभु आइयो, फिरत प्रभु आइयो, परियो तो शरणाए, परियो परियो तो तो शरणाए। नानक की प्रभु बेनती, नानक नानक की की प्रभु प्रभु बेनती, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति हरी लाए। हरि ओ संगी साथी चल गए सारे, संगी संगी साथी साथी चल गए सारे, कोई न निभी ओ साथ, कह कोई न निभी ओ साथ। नानक इह विपत में, विपद में टेक एक रघुनाथ, टेक रघुनाथ। हरी हरि गीताया श्लोक पाठेन, गीताया श्लोक पाठेन, गोविंद स्मृति कीर्तनात्, गोविंद गोविंद स्मृति कीर्तनात्, साधु दर्शन मात्रेण, साधु साधु दर्शन दर्शन मात्रेण, तीर्थ कोटि फलम लभेत, तीर्थ कोटि फलम लभेत। गीता के एकाद श्लोक का पाठ, साधु पुरुष का दर्शन और भगवान नाम कीर्तन करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त कराता है। जिसके जीवन में सत्संग है, उसके जीवन में भी कष्ट विघ्न बाधाएं देखे तो जाते हैं, लेकिन वो कष्ट और विघ्न बाधाओं से दबता नहीं है। जीवन दाता के रस से उसका चित्त थोड़ा रसीला होता है। जिसके जीवन में भक्ति है, उसके जीवन में सुख सुविधाएं और सत्ताएं आती हुई देखी गई, लेकिन सुख सुविधा और सत्ताओं से वो छक नहीं जाता है, अहंकार से भर नहीं जाता है। वो सुख सुविधा और सत्ता का सदुपयोग करता है और दुख विघ्न बाधा का भी सदुपयोग करता है। जिसके जीवन में सत्संग है, वो दुख का भी सदुपयोग करता है, सुख का भी सदुपयोग करता है, मान का भी सदुपयोग करता है, अपमान का भी सदुपयोग करता है, और ऐसे करते करते सत्य स्वरूप भगवान को पाकर मुक्त हो जाता है। जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, वो वस्तुओं का सदुपयोग नहीं कर पाता है, समय का सदुपयोग नहीं कर पाता है, विचारों का सदुपयोग नहीं कर पाता है। इसलिए भागवत में कहा है कि जो हरि कथा नहीं सुनते हैं तो जगत के राग द्वेष की बात सुनेंगे, या तो किसी की निंदा सुनेंगे, या तो किसी की स्तुति सुनेंगे। स्तुति जगत की वस्तु की सुनेंगे तो राग होगा, निंदा सुनेंगे तो द्वेष होगा, हृदय उखलता रहेगा। हृदय में जो भगवान बैठा है, हृदय में जो शांति और माधुर्य पड़ा है, उससे वो अछूता रह जाएगा जिसके जीवन में सत्संग नहीं है। शास्त्र ने कहा, 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर लो, लेकिन 1,00,00,000 काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर लो, इसी से तुम्हारा परम मंगल होगा, इसी से तुम्हारा परम कल्याण होगा।
शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजे। जितना जितना आप हरि कथा का आदर करेंगे, जितना जितना आपके जीवन में भगवत ज्ञान होगा, भगवत ध्यान होगा, भगवत स्मरण होगा और भगवान के प्यारे संतों का सानिध्य होगा, उतना उतना कलयुग के दोष आपके क्षीण हो जाएंगे और आपके हृदय में भगवत रस, भगवत माधुर्य और भगवत कृपा होगी। तो आपके जीवन में शायद कभी दुख और विघ्न आए, तभी भी वो इतना नहीं दबा सकेंगे जितना निगुरे लोग को दबा देते हैं। विदेश में अब देखा जाए तो लोग डिप्रेस हैं, कई अशांत लोग हैं। हर 20 मिनट में एक आदमी आत्महत्या कर लेता है, हर 30 मिनट में एक आदमी क्रैक हो जाता है, हर 11 महिलाओं के बीच एक महिला को छाती का कैंसर है, हर 14 महिला के बीच एक महिला को गर्भाशय का कैंसर है। ऐसे पुरुषों में भी न जाने कितने दोष। तो ये कलयुग का प्रभाव है। व्यक्ति जब स्वार्थी हो जाते हैं, नश्वर वस्तुओं को, नश्वर भोगों को और विकारों को महत्व दे देते हैं, त्याग को, सेवा को, अंतरात्मा के सुख का महत्व भूल जाते हैं, तब धर्म की हानि होती है। झूठ, कपट, बेईमानी, दगा, गुंडागर्दी करके सज्जनों को, सदाचारियों को सताया जाए और दुष्ट दुर्योधन जैसे स्वभाव वाले लोग जब अति हो जाते हैं तब भगवान अवतार लेते हैं। धर्म की हानि होती है। धर्म की हानि कैसे होती है? जब नश्वर वस्तुओं को महत्व देने पर तुल जाते हैं मनुष्य और शाश्वत के तरफ पीठ कर देते हैं, अपना, पड़ोसी का, एक दूसरे का ख्याल न रखकर अपना अंधा स्वार्थ पूरा करने के लिए अंधी दौड़ जब अति हो जाती है तो करुणा करके भगवान अवतरित होते हैं। पतंग को देखने का दोष है, देखने में इतना बेवकूफ हो जाता है कि जल मर रहे हैं देख देख के दूसरे पतंगे, फिर भी कूद मरता है, जयराम जी की, और जान गंवा देता है। मछली को चखने का दोष है, स्वाद के लिए लपक पड़ती है और कुंडे में फंस मरती है। हिरण को सुनने का दोष है, शिकारी का स्वर सुनते सुनते मशगूल हो जाती है और शिकार हो जाता है उसका। भंवरे को चखने का दोष है, कमल में घुसता है, कमल बंद हो जाता है। भंवरा तो लकड़े को भी छेद कर सकता है, लेकिन अब चखने का सुगंध आ रही कमल में, स्वाद आ रहा है तो लग जाता है, तो लग जाता है। सुबह उसको जंगल के पशु कुचल डालते हैं। एक एक दोष के कारण वे जान गंवा देते हैं। अली पतंग मृग मीन गज, हाथी में स्पर्श का सेक्सी दोष होता है। नकली हाथिन को देखकर हाथी एकदम ऐसा कूदता है कि फिर खड्डे में पड़ा है, घास फूस की हाथी नहीं ये सोच भी नहीं सकता है और फिर फंस मरता है, जिंदगी भर महावत की गुलामी सहता है। तो एक एक दोष के कारण ये जीव जान गंवा देते हैं। मनुष्य में ये पांचों दोष मौजूद हैं, फिर भी मनुष्य श्रेष्ठ क्यों माना गया? कि सत्संग कर सकता है। अली पतंग मृग मीन गज, एक एक रस आँच, तुलसी तिनकी कौन गति, जिनको व्यापई पांच। जिनको पांचों विकार है, देखने के पीछे भी हम माहिल हो जाते हैं, चाहे फिर आंखें खराब हो लेकिन फिल्म देखे जा रहे हैं, टीवी में फिल्म देखे जा रहे हैं, चाहे चरित्र खराब हो देखे जा रहे हैं, चाहे पढ़ाई खराब हो देखे जा रहे हैं, चाहे रसोई खराब हो और देखे जा रहे हैं, जयराम जी की। ऐसे ही चखने के तरफ भी ऐसे ही हालत है। पान मसाला, अरे सड़ी गली सोपारी, निकोटिन पॉइजन, और तो क्या है, गरोड़ी चिपकली का पाउडर मुंह में डालते मजा लेने के लिए, स्वाद के लिए। तुम्हारा मुंह कितना पवित्र है, उसमें मरी हुई चिपकली का पाउडर, हाय राम। तंबाकू, 50 ग्राम तंबाकू का निकोटिन पॉइजन निकालकर कुत्ते को इंजेक्शन मारा, 3 मिनट में छटपटा के मर गया। तंबाकू के बीज का तेल निकालकर 2 बूंद उसको इंजेक्शन में लगा के लगाया कुत्ते को, दूसरा कुत्ता मर गया। ऐसा तंबाकू पैसे दे के पान मसाला समझ के खा रहे हैं, मरी हुई चिपकली का पाउडर। तो ये तो हमारी जीभ का लोलुपता है ना। तुम्हारा मुंह गटर थोड़े है कि कचरा पट्टी दे अंदर, कचरा पट्टी दे अंदर, जयराम जी की।